सम्मान्य श्री जयराम ठाकुर जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी, भारतीय फिल्म जगत की बेहतरीन कलाकार सुश्री कंगना रनौत जी, पूर्व मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री गोविंद ठाकुर जी, माननीय विधायक श्री सुरेंद्र सौरी जी, पूर्व सांसद जिनके साथ मुझे भी संसद में कई बार रहने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे श्री राजा महेश्वर सिंह जी, पूर्व प्रत्याशी कुल्लू श्री नरोत्तम ठाकुर जी, जिलाध्यक्ष कुल्लू श्री अरविंद चंदेल जी, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर जी, पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी राम शरण जी महाराज, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में कुल्लू में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, देवभूमि और वीरभूमि दोनों को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि चुनाव के दौरान कितना सुहावना मौसम है। पिछले 3 महीने से हम लोग मैदान में गर्मी से जुलस रहे हैं। कल दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्री था, कल गोरखपुर में 48 डिग्री टेम्परेचर था, और जब यहां पर मैं आया तो मुझे बड़ी राहत महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में देवभूमि हमारा हिमाचल प्रदेश क्यों कही जाती है। लेकिन यह तो प्रकृति और परमात्मा का एक संयोग होता है कि हम लोग चलते चलते फिर कहीं और निकलते हुए आज मुझे उत्तर प्रदेश में सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। जब मुझे बताया गया कि मुझे हिमाचल प्रदेश में प्रचार के लिए जाना है, मैंने कहा कंगना जी के लिए तो जरूर जाऊंगा, और इसलिए जाऊंगा कि हिमाचल की इस लड़की ने, देखिए उसमें मीराबाई की भक्ति है, उसमें महारानी पद्मिनी का तेज है, और विरोधियों से जूझने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और वीरांगना का भाव भी है। आपने देखा होगा कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की सरकार को कैसे सड़कों पर ला करके पानी पिलाने के लिए मजबूर कर दिया था इन्होंने मुंबई में। तब लोग पूछते थे कि कंगना रनौत कौन है, तब यहां से जयराम ठाकुर जी का बयान आया था, कहा कि हमारी यहां की बेटी है, और अगर कोई कुछ बाल बांका भी करेगा यहां की दूर भूमि खड़ी हो जाएगी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे आपके बीच में यहां पर उनके प्रचार के लिए आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम हिमाचल प्रदेश में मंडी में देखें, हमीरपुर में देखें, शिमला में देखें, पालमपुर में देखें, या देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेकर के कच्छ तक, पूरे हिंदुस्तान को जब हम देखते हैं एक ही नारा गूंज रहा है, एक स्वर पूरे हिंदुस्तान का है, और वह है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार की जब बात होती है तो बहन और भाइयों,
कांग्रेस चारों खाने चित्त होती है, क्योंकि वह स्वयं 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, 400 सीटों पर भी अब उसको चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। तो जनता जनार्दन से पूछते हैं कि 400 पार कैसे, तो जनता जनार्दन ही कह देती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको, क्या हिमाचल और मंडी भी इसके लिए तैयार है ना, जो राम को लाए हैं। और फिर जनता जनार्दन ये भी कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के। आप भी यही सोचते हैं ना, पूरा चुनाव अगर आप देखेंगे तो बहनों और भाइयों, यह राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में आकर के अब सिमट गया है। राम द्रोही वही जो आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थन करते हैं, राम द्रोही वही जो भारत के स्मित्व और भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं, राम द्रोही वही जिन लोगों ने भारत के विकास को बाधित किया, जिन लोगों ने गरीबों के हितों पर डकैती डाली, जिन लोगों ने भारत को हर स्तर पर अपमानित करने का काम किया। और राम भक्त वही जिसके लिए भारत का हित सर्वोपरि है, राम भक्त वही जो भारत की अस्मिता को पहचानता है, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करता है, अयोध्या में रामलला को विराजमान करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, और जो आपके पूर्वजों का संकल्प था, यही संकल्प होता था यहां के पालनपुर में 1989 में पहला संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पारित किया था, और अब पारित किया था कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए हम आंदोलन करेंगे। यही हिमाचल प्रदेश है, और आज जो संकल्प उस समय हम लोग नारों में लगाते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, यही बोलते थे ना, अब तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना, कोई संदेह, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो गया ना, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, 500 वर्षों के बाद पहली बार अयोध्या में रामलला ने होली भी खेली और अपना जन्मोत्सव भी मनाया।